गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि 16 मीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड में, एंड द अनदर 16 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अज्यूम दैट ये दो डिस्टेंस है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. यहां से यहां ये भी 16 मीटर है, 16 मीटर है, और इससे आगे अनोदर यहां से यहां ये भी अनोदर 16 मीटर डिस्टेंस है. ए इनिशियल ये बी मान लेते हैं पॉइंट, और ये बी से सी. ए से बी जो फर्स्ट डिस्टेंस है 16 मीटर की, उसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेकेंड, और अनोदर जो 16 मीटर डिस्टेंस है उसका जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया हुआ है आप लोगों के पास 2 सेकेंड. और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या निकालना हम लोगों ने एवरेज स्पीड. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड. लास्ट टॉपिक्स में हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 ये है और 16 ये है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई. अगर हम लोग देखें तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू जो आप लोगों के पास है वो कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई 16 प्लस 16, कितनी आ गई 32 मीटर. और अगर बात करें टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया, फर्स्ट इंटरवल 16 वाले में टाइम कितना है 4 सेकेंड का, सेकेंड इंटरवल में टाइम कितना है 2 सेकेंड का, तो टोटल टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड का. तो टोटल डिस्टेंस भी निकल गई, टोटल टाइम भी निकल गया. अब हम क्यों ना इस टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड. तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है 32 मीटर, टोटल टाइम कितना है 6 सेकेंड. तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 पे करें तो 18 पे कैंसिल हो गया, 2 पे करें तो 3 पे हो गया. और अगर हम लोग बात करें 2 पे 18 पे गया और 3 से करें तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, 6 पे कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, वी ए बी कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दूसरे क्वेश्चन में क्या आप लोगों को बताया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. सबसे पहले ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड, स्पेसशिप से और जो सिग्नल आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर उनमें कह रहा है 5 मिनट्स, कितने मिनट का टाइम लेता है 5 मिनट का टाइम. तो टाइम दिया हुआ है आप लोगों के पास कितना 5 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है गिवन टाइम 5 मिनट. तो टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड में होती है, तो सबसे पहले इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाता है 300 सेकंड. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, क्या निकालनी है हम लोगों ने, डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने निकालनी है. टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, वो आपको गिवन है. और एक चीज और भी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड की जितनी ही सिग्नल की स्पीड है, तो गिवन स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, वो गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड जो होती है बेटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है. हमने निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है. जो निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसको लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सभी को राइट हैंड साइड. तो अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए इससे, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम, स्पीड की वैल्यू भी दी हुई है और टाइम की वैल्यू भी दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है 3 × 10^8, और जो टाइम की बात करें 300 है, 300 को 3 × 10^2 लिख सकते हैं, क्योंकि 300 को 3 × 10^2 सेकंड के अंदर लिखा जा सकता है 3 × 100। तो हम लोग देखते हैं 3 और 3 कितना हो गया 9, और 10^8 मल्टीप्लाइड बाई 10^2 कितना हो गया 10^10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास डिस्टेंस जो ट्रेवल आ गई स्पेसशिप से और ग्राउंड के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई 9 × देखो एक फॉर्मूला है आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर a की पावर m और a की पावर n दोनों का बेस इक्वल हो और उनकी पावर डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाइड हो रही हो, तो मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m प्लस n। मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ये a की पावर m मान लिया और ये a की पावर n मान लिया, तो m प्लस n कितने के इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था डिस्टेंस ट्रेवल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं, क्या गिवन है हमारे पास। द वेलोसिटी ऑफ ए कार, याद रखना यहाँ आपको मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना है, और मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या दिया हुआ है। अगर देखो एक क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके लिए हम लोग एक बार थोड़ा सा एक बार जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। हमारे पास अगर किलोमीटर पर आवर की यूनिट दी हुई है और कह रहे हैं इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने पढ़ा है किलोमीटर, अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 आवर की बात करें वो सेकंड के इक्वल की बात करें तो किसके इक्वल होता है 3600 सेकंड के इक्वल। तो अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर हम लोग किलोमीटर को लिखें 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किलोमीटर के बना दें मीटर, ये 1 किलोमीटर अपॉन क्या हो गया 1 आवर, तो 1 किलोमीटर के मीटर बनाए तो 1000 मीटर और आवर के सेकंड बनाए तो 3600 सेकंड। 20 से 20 कैंसिल होगी, 2 से ये 5 पे कैंसिल हो गया और 2 से ये कितने पे आ गया अगर, तो 5/18 मीटर पर सेकंड के किस कोण आ गया 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर मीटर पर सेकंड दी हुई हो, किलोमीटर पर आवर दी हुई हो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 5/18। अगर मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालनी हो, मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालनी हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 18/5 किस में चला जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये दो जो दो फॉर्मूले हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना हो तो हम क्या फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो देखो एक बार देखते हैं, तो ये फॉर्मूले याद रख लेना दोनों के, मैं इनको साइड में ऊपर एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि बार बार हम लोग इन फॉर्मूलों से, क्योंकि यूनिट चेंज मिलेगी और यूनिट चेंज को हम लोगों ने बार बार जो है कि कहीं पे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है और कहीं पे मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी चीज को सिखा रहा है कि कैसे हम लोग यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए कार इज, वेलोसिटी दे रखी है किसी भी कार की, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वेक्टर से, 18 मीटर पर सेकंड, और कह रहा है इसी वेलोसिटी को किस में निकालना है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अभी मैंने आपको यही चीज सिखाई, अगर किलोमीटर पर आवर दी हुई है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैंने बताया 18/5 कहां से निकाला है मैंने यूनिट चेंज करके, तो ये किस में दी हुई है मीटर पर सेकंड में, चेंज किस में करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, तो v इज इक्वल टू 18 × 18/5 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ आप लोगों के पास चेंज करके हम लोगों ने लाया 5/18 आया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, और मीटर पर सेकंड को अगर आप लोगों ने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो कितने में आ जाएगा 18/5। तो यहाँ इसको सोल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर हम इसका आंसर निकालें तो 18 × 18 को अगर हम लोग देखें तो उस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी,
अगर वैल्यू निकालते हैं इसको चेंज करके तो 64.8 किलोमीटर पर आवर के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू जो चेंज होगी किसमें चेंज होगी, किलोमीटर पर आवर। इस डाटा को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम लोग इसको चेंज करके निकालना चाहें तो, यहाँ भी सिंप्लीफाई करके इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको एनसीईआरटी सेक्शंस में दिए हुए हैं, बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखें क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, बाकी प्रोसीजर यही है सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं अभी, ए ट्रेन स्टार्ट ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन चलती है यहां से और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 20 किलोमीटर, और यहां उसकी जो स्पीड दे रखी है वो यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इट ट्रेवल्स अनदर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, इससे आगे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये हमने यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस मान ली वो 40 किलोमीटर मान ली, और यहां उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है, क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। यहां उसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। और हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालो। देखो भाई, सबसे पहले ये दो डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। ए से बी के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बी से सी के बीच की डिस्टेंस 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, और निकालना क्वेश्चन के अंदर है एवरेज स्पीड, ए बी ई आर ए जी ई स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, अनदर डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई बेटा 60 किलोमीटर। अब हमें दूसरी चीज निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए, जो एवरेज स्पीड निकालने के लिए दूसरी जो वेरिएबल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए टाइम। अब ना तो ए से बी के बीच का टाइम पता, ना बी से सी के, तो ये टाइम निकालने के लिए मैंने इस टाइम को T1 मान लिया और इस टाइम को क्या मान लिया, T2 मान लिया, क्योंकि तभी निकलेगी एवरेज स्पीड जब मैं टाइम निकालूंगा। तो मैं निकालता हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड का, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। अगर हम लोगों को टाइम निकालने की रिक्वायरमेंट आए तो टाइम किसके बराबर आ गया, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन, भाई टाइम को इधर ले जाओ और स्पीड को इधर ले आओ, तो डिस्टेंस अपॉन क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब देखो T1 भी निकाल सकते हैं, T1 में डिस्टेंस कितनी है 20, स्पीड कितनी है 60, तो T1 की वैल्यू निकाले तो कितनी आ गई 1/3, और किसमें आई है, आवर्स में, क्योंकि ये किसमें थी डिस्टेंस, किसमें थी किलोमीटर, और स्पीड किसमें थी किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर चला जाएगा किलोमीटर से, किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो जो टाइम आएगा वो किसके अंदर आएगा, आवर्स के अंदर आ गया। इसी तरीके से T2 की वैल्यू निकालते हैं, दूसरा टाइम यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर, तो कितना आ गया 1/2 आवर्स। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टी मान लेते हैं टोटल टाइम को, टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, T1 प्लस T2, तो T1 कितना है 1/3, T2 कितना है 1/2, एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 5/6 आवर्स। तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो कितने आ गया 5/6 आवर। अब हमने निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो निकाल के रखा हुआ है वैल्यू निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कहां है, ये भी निकाल दो, कितनी आई 60 किलोमीटर, लिख दिया जी।
टोटल टाइम कितना आया 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा और ये किसमें चला जाएगा, ये किसमें आएगा, आवर के अंदर, नीचे आवर है, तो 5 से कैंसिल करो तो कितने पे चला गया है, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो एक बार दोबारा से मैं आपको फिर दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं उस क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो पहली डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, दूसरी डिस्टेंस के लिए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसके अंदर स्पीड 48, और हमसे पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो सीधे सीधे निकल जाएगी, फर्स्ट डिस्टेंस 20 है, दूसरी डिस्टेंस 40 है, ऐड करके 60 किलोमीटर निकाल दिया। बट टोटल टाइम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहली डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड फर्स्ट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारे पास 1/3। इसी तरीके से सिमिलरली हमने दूसरी डिस्टेंस की टाइम निकाला तो 1/2 आवर आ गया, और टोटल टाइम निकाला तो t1 प्लस t2 को जोड़ के अगर देखा जाए 1/3 प्लस 1/2, तो टाइम की वैल्यू जो आई हमारे पास, जो टोटल टाइम जो हमारे पास आया वो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम की वैल्यू जो आई वो 5/6 आवर आई। टोटल डिस्टेंस भी निकाल के रखी हुई है, टोटल टाइम भी मैंने फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, टाइम 5/6 था, 6 ऊपर चला गया, आवर के अंदर 5 से 12 में कैंसिल हो गया 60, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। एक बार आप कंसेप्ट अगर स्पीड फॉर्मूले आते हैं अच्छे से तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब हम एक बार फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सबको एक रफली डायग्राम बना के उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, सब का एक रफ डायग्राम बना के उसको सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कह रही है वो देखो। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज, ये मान लिए दो स्टेशन, एक ये स्टेशन है, देखो बड़ा आसान सा इसका डायग्राम बना के मैं करता हूं, एक स्टेशन ए मान लिया और एक स्टेशन बी मान लिया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, 120 किलोमीटर दे रखी है, यहां से और यहां तक 120 किलोमीटर ए से बी के बीच की डिस्टेंस है। अब यहां से कोई ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, पहले 30 किलोमीटर 120 में से ये मान लो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, यहां से और यहां तक 30 किलोमीटर है फर्स्ट, यहां तक उस कार की उस ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कितनी है स्पीड यहां से यहां तक, अगर देखा जाए यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो 120 में से 30 डिस्टेंस निकल गई तो बची कितनी, ये बच गई बीच की 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस जो है अभी पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन शुड बी ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगले 90 किलोमीटर में ट्रेन को कितनी तेज चलाया जाए कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड आए ना वो 60 किलोमीटर पर आवर पूरे ट्रिप की, पूरा जो ए से बी तक का जाने का। देखो मैं क्या मान लेता हूं ए से, और ये एक पॉइंट मान लेता हूं कोई भी, इसको कोई भी पॉइंट मान लो ए से डिस्टेंस, तो कितनी है सबसे पहले 4, दो केस बना लेते हैं हम लोग, टोटल केस फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड दे रखी है पूरी जर्नी की, क्या दे रखी है एवरेज स्पीड हमारे पास दे रखी है ए वी ई आर ए जी ई एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जो फॉर्मूला होता है यहां से स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड, इसका बेटा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दोनों चीजें निकाल देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड कितनी देर की पूरी जर्नी की 60, ये देखो ये देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120, तो टाइम निकाल लेते हैं टोटल टाइम, पूरी जर्नी का टोटल टाइम निकाला जाए, टाइम ऊपर चला जाएगा टोटल टाइम
ऑफ जर्नी 120 अपॉन 60। ये किलोमीटर था, ये किसमें थी, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 2 पे कैंसिल हो गया, तो 2 आवर पूरी जर्नी का टाइम निकल गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक जो 90 किलोमीटर बची हुई डिस्टेंस है, इसके अंदर कितनी स्पीड से उसको चलाया जाए, तो उसकी स्पीड निकालिए। तो स्पीड निकालने के लिए देखो, पहले तो हम लोग ए से ये पॉइंट मान लेते हैं कोई भी सी, तो केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट, पहली जर्नी के लिए जो फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए है, केस फर्स्ट है, जो किसके लिए है, फोर फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए, तो उस केस के अंदर बात करते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को कितना मान ले, एस वन कितनी है, 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, वी वन, यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कर से चल रही है, तो क्यों ना यहां का टाइम निकाल लिया जाए टी वन। तो टी वन क्या होगा, एस वन अपॉन वी वन। अभी तो फॉर्मूला बनाया मैंने आपको कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। कट गया, कितना आ गया टाइम, 1 आवर पहले केस के अंदर। ठीक है जी, अब दूसरे केस के अंदर, केस सेकेंड जो 90 किलोमीटर बचे हुए हैं उसके लिए हम केस सेकंड पढ़ते हैं। क्या उस केस सेकंड के अंदर S1 कितनी है, 90 किलोमीटर। क्या V2 निकाली है जो क्वेश्चन में, और T2 भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो देखो, सबसे पहले T2 निकालना है, पूरी जर्नी का टाइम तो 2 आवर है, और 2 आवर में से पहले 30 किलोमीटर के लिए एक आवर यूटिलाइज हो गया है, तो टाइम कितना आएगा, T2 कितना आ जाएगा। अगर हम लोग देखें टोटल टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टोटल टाइम जो है वो किसके बराबर है, T1 प्लस T2। टोटल टाइम कितना है जर्नी का, 2 घंटे, 2 आवर। T1 निकाल चुके हैं और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक इधर चला जाएगा, 2 - 1 बराबर किसके आ गया, T2 के, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आवर। यानी कि बचे हुए 90 किलोमीटर के अंदर जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर, वो कितना टाइम ले रही है, 1 आवर। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी थी, निकाली हमें ऊपर से, कितनी आई, 1 आवर। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, डिस्टेंस 90 किलोमीटर, टाइम 1 आवर। तो कितना आ गया, कितनी स्पीड से दौड़ा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो ड्राइवर ट्रेन को बचे हुए 90 किलोमीटर में चलाएगा, तभी हमारा एवरेज जो है वो 60 किलोमीटर आ सकता है। ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है, ए ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हो। तो हमारे पास क्या दी हुई है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर पर आवर। टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम कितना दिया हुआ है भाई, 30 सेकेंड। देखो इन दोनों यूनिट्स को देखते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और 1 सेकंड में दे रखी है। ठीक है, या तो दोनों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो या दोनों को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करो। तो देखो बेटा, हमने अभी आपको लास्ट टाइम एक बताया था, अगर आपके पास वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो उस क्वांटिटी को 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और तो वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 5/18, तो ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर से किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। हम इसको कैंसिल करते हैं, 6 से 2 पे गया और 6 से करे तो इसको 3 पे गया, तो 100/ कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू है 30 सेकेंड, और निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। हाउ मच कह रहा ना,
इलेक्ट्रिक रे नहीं घूमेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो एस क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू या वेलोसिटी इंटू टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेन स्ट्रेट चलती है तो उस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है 100/3 मीटर पर सेकंड के अंदर, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये लो जी जीरो। अब देखो तीन से कैंसिल करें तो कितने पे गया, 10 पे गया, तो कितने आ गया 1000 मीटर में आ गई डिस्टेंस ट्रेवल। तो मीटर को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, 1000 की जगह हम 1 किलोमीटर भी आंसर शो कर सकते हैं। चाहे आप अगर मीटर में चेंज करना चाहे तो मीटर में रखना, अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहे तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में वैल्यू निकाल दी, मीटर में भी निकाल दी और किलोमीटर में भी निकाल दी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सपोज यू वॉकिंग Across a room of length 9 meter, एक रूम है उसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर दे रखी है 9 meter, with a velocity of कितनी velocity से जा रहे हैं, length है 9 meter, कितनी velocity से जा रहे हैं 1.5 km/h, express this velocity in unit of meter per second और find the time taken to move across the room। देखो इस वैल्यू को सबसे पहले हम लोग एक चीज करते हैं, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है डिस्टेंस रूम की 9 मीटर, डिस्टेंस है लेंथ या डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दी हुई है 9 मीटर दी हुई है। दूसरा कितनी स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी जो दे रही है, एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेट वेलोसिटी से जा रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। और आपसे दो चीजें पूछी, एक तो पूछा टाइम निकालो जी, टाइम कितना आएगा, दूसरा इस वेलोसिटी को हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया अगर किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाइड कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो हमारे पास इसमें आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 का 10 कर दे तो डेसिमल हटाने 10 से डिवाइड करके ये 5/18, 3 से कैंसिल करें तो 3 5 जा और 3 6 जा, 5 से करें तो 2 पे जाएगा आप लोगों के पास और 5/ कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 12 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर तो हमारे पास 5/12 आ गया। दूसरा टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है, टाइम को ऊपर ले जाओ स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम का क्या फॉर्मूला बन गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा आप लोगों के पास, अभी दी हुई है 9 मीटर, ये लो जी स्पीड हमने निकाली अभी मीटर पर सेकंड में कितनी है 5/12, तो कितना आ गया, अगर हम टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू निकालना चाहें तो टाइम कितना आ गया, 12 को अगर 9 से करें तो 108/5, और ये किसमें आएगा टाइम, इस सेकंड के अंदर आएगा, 2 पे गया और 1 पे ये हो गया, ये आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू 21.6 सेकंड के नियर बाय आप लोगों के पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ओडोमीटर स्टार्ट ए कार, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स, जब कार चलना किसी ट्रिप पे कार जा रही है, जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उसकी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं उसके मीटर में चेक करके कि उसकी ओडोमीटर एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ लास्ट टॉपिक में जब डिस्टेंस आया तो डिस्टेंस के केस में पढ़ा था। ओडोमीटर एक वो डिवाइस है जो किसी भी क्या काम करती है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर को डिवाइस। तो यहां जब वो चलना स्टार्ट करता है तो ट्रिप के अंदर तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है नोट कर लेता है, तो यहां और एंडिंग होता है तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, वो कितनी आ गई, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एंडिंग पॉइंट किलोमीटर में से इनिशियल किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस कार की डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और इफ द ट्रिप टेक कितना टाइम लिया हुआ है ट्रिप में, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं 8 आवर। तो दोनों ही बड़ी हुई है किलोमीटर में और आवर में, क्या निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है और मीटर स्पीड में, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है बेटा 400 किलोमीटर, टाइम कितना है 8 आवर। कैंसिल करो फोर्स, अगर 5 पे कैंसिल हो गया 8 5 40, तो कितनी आ गई स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। एक तो स्पीड जो है ये आ गई किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन में दोनों फॉर्मेट में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालो और किसमें निकालो मीटर पर सेकंड में भी निकालो। अब ये किलोमीटर पर आवर आ गई, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको डायरेक्ट क्या कर दे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर इसी डाटा को 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा कैंसिल कर लेना, 2 से करें तो 25 और 2 से करें तो 9 पे कैंसिल हो गया, 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है बड़ा, इसमें दोनों चीजें पूछी है एक साथ, एवरेज स्पीड भी आपसे पूछी गई है और एवरेज वेलोसिटी भी आपसे पूछी गई है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, उषा स्विम्स इन ए पूल, स्विमिंग पूल है उसमें कोई उषा नाम की लेडी है स्विमिंग कर रही है, 90 मीटर लॉन्ग पूल, चलो ये मान लिया यहां से और यहां तक पुल की जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वो क्या करती है ए से बी जाती है और बी से वापस ए पे आ जाती है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, आना भी हो गया और आने के साथ साथ उसमें क्या हो गया वापस जाना भी हो गया, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 180 मीटर, टाइम कितना लिया इसको कवर करने में 1 मिनट, 1 मिनट को हमने सेकंड के अंदर चेंज किया तो कितना आ गया 60 सेकंड आ गया, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई ये आप लोगों के पास, टाइम कितना गया 1 आ गया, 1 को मिनट को सेकंड में। अब दो चीजें पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो देखो जी एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस 90 मीटर गई है, 90 मीटर वापस आई है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 180 मीटर, टोटल टाइम कितना है 60 सेकंड का जी, लो कैंसिल कर दो 3 पे चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आई है। अगर हम लोगों ने क्या निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0, टाइम चाहे कुछ भी हो बट एवरेज वेलोसिटी उसके अंदर कितनी आ जाएगी 0, क्यों, बिकॉज अगर रीजन पूछे डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आया, क्योंकि ए से ही चलना जा रही है और ए पे ही वापस आ गई, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बिकॉज स्विमर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। थैंक यू सो मच।